हेलो गाइज, फेसबुक में एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे इस नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ। तो नंबर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिलीट नंबर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, हमें फेसबुक का पासवर्ड मांगा जाता है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं, हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यू कैन नॉट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट, दिस इज़ बिकॉज वी नोटिस यू आर यूजिंग ए डिवाइस यू डोंट यूजली यूज एंड वी नीड टू कीप योर अकाउंट सेफ। वी ऑल अलाउ यू टू मेक दिस चेंज आफ्टर यू हैव यूज दिस डिवाइस फॉर ए वाइल, ये लिखा हुआ आता है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी के अंदर है, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। सो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको हिंदी कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है। आप फिलहाल यह बदलाव नहीं कर सकते, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने देखा है कि आप एक ऐसे उपकरण का उपयोग कर रहे हैं जिसका आप आमतौर पर उपयोग नहीं करते हैं और हमें आपके खाते को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं जिसको आप आम तौर पे उपयोग नहीं करते हो, या तो हो सकता है ये आपका न्यू अकाउंट होगा तो ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर अपने इस डिवाइस के अंदर, इस मोबाइल के अंदर आप तुरंत ही लॉगिन किए होंगे इस अकाउंट को। कुछ समय तक इस उपकरण का उपयोग करने के बाद हम आपको यह परिवर्तन करने की अनुमति देंगे, यहाँ पर यह लिखा हुआ आ रहा है। आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम के अंदर इसका सोल्यूशन भी बताया गया है। कुछ समय तक इस डिवाइस का उपयोग करने के बाद हम आपको यह चेंजिंग करने का अनुमति देंगे, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग समझ गए कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। हो सकता है कि आपका ये न्यू अकाउंट होगा इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। होता क्या है कि जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो हैकर के पास कुछ टाइम के लिए ऐसा ही प्रॉब्लम आता है ताकि वो आपके अकाउंट में नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह चेंज नहीं कर पाए, आपका नंबर ईमेल डिलीट नहीं कर पाए, ताकि आपका अकाउंट हैक होने से कुछ टाइम तक बचा रहे कि आप लोग अपने अकाउंट को रिकवरी कर सकते हो। अब एक जानकारी का चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 वीक लगभग आपको इस डिवाइस में अपने अकाउंट को यूज करना है, 2 वीक यानी 12 से 15 दिन तक इसको यूज करते रहना है इस डिवाइस के अंदर, लेकिन एक बार भी अपने अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना। नहीं तो जैसे आप लोग अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दोगे फिर आपको इसी तरीके से फिर वहाँ से आपको 12 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट को यूज करते रहो, इसको लॉग आउट नहीं करो। लॉगिन है तो लॉगिन ही रहने दो, यूज किया फिर हटा दिया, यूज किया फिर हटा दिया, ऐसे करो, लॉग आउट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपका यह प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने अकाउंट के नंबर को चेंज या डिलीट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस जरूर करना।